अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? आपके सब ठीक ठाक होंगे। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका बेस बनाने का, मेरी उन बहनों के लिए जो कि बेस खरीद तो लेती हैं लेकिन उनसे लगा ही नहीं जाती बेस, ठीक से लगाने का उनको तरीका नहीं आता। बेस लगाते लगाते वो कुछ अजीब से अपने फेस को कर लेती हैं और या फिर अपनी स्किन टोन के हिसाब से नहीं लेती, उनको ब्लेंडिंग उनसे ठीक नहीं होती, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है उनको। तो आज के वीडियो में बहुत आसान तरीका बेस बनाने का मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके लिए आपको स्पंज की ज़रूरत नहीं है, किसी फाउंडेशन ब्रश की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ के साथ अपनी फिंगर के साथ आप बहुत इजीली और बहुत अच्छी बेस बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी, शिफर बेस बहुत ज़बरदस्त है और ये फुल कवरेज है, पाउडर फाउंडेशन है जो कि आप ड्राई स्किन पे भी यूज़ कर सकते हो और ऑयली स्किन पे भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए सब कुछ वो नहीं है कि आप इसके अगर ड्राई स्किन पे यूज़ करना है तो नीचे पहले मॉइस्चराइज़र लगा लें स्किन पे और उसके बाद यूज़ कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये आपको कवरेज प्रोवाइड करेगी। अब मैं इसको यूज़ करने का तरीका सबसे आसान तरीका बता रही हूँ जो कि आपको किसी ने नहीं बताया, हर कोई जो है इसी तरह से बता रहा होता है, पेस्ट बना लो पानी के साथ या फिर स्पंज के साथ, ब्रश के साथ लगाओ, बहुत तरीके हैं बताए हैं, लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रही हूँ बहुत ज़बरदस्त है, आप बहुत ईजी है, किसी ने बताया ये तरीका। तो आपने क्या करना है, फिंगर से ही इसको अप्लाई करना है। जी हाँ, ये इतनी ज़्यादा फुल कवरेज है, ये पाउडर इतना फुल कवरेज है कि सिर्फ फिंगर के साथ इसको अप्लाई करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो बेस बन जाएगी। जैसे कि मैं आपको अपने हाथ पे जो है अप्लाई करके दिखाऊंगी, जैसे कि फिंगर पे आपने लिया और इसको आपने इसी तरह से फिंगर की मदद से ही आपने लगाना है। आप देख सकते हैं कितने ईजिली, और आजकल जो है मौसम ऐसा है कि पसीना तो आ रहा होता है, तो स्किन पर पसीना वैसे भी आ रहा होता है, तो जब आप ये पाउडर इसके ऊपर लगाएंगे तो ये आपके स्किन के बहुत ज़्यादा जो है स्किन के साथ सेट हो जाएगा और आपको किसी पानी वानी में मिक्स करके पेस्ट बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ये देखें, और ऑयली स्किन के लिए और ज़्यादा जो है बेस्ट है, ये आपके स्किन के अंदर से जो ऑयल है वो भी अब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैट फिनिश प्रोवाइड करेगी ये बेस। ये देखें, बस इसी तरह से आपने करना है कि अपने फिंगर के साथ अपने फेस के ऊपर इस तरह से ब्लेंड करते हुए आपने अप्लाई कर देनी है ये बेस। मैं तो इसी तरह से लगाती हूँ जब मुझे जल्दी जल्दी कहीं जाना होता है और मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं ब्रश पे लगा के पेस्ट और लगाऊँ और स्पंज ढूंढूँ फिर गीला करूँ और फिर सो तरह के जो है इतना टाइम ही नहीं होता। खैर, तो मैं बस इसको जो है ना इसको खोलती हूँ और ये फिंगर पर अप्लाई करके और अपने फेस पर इस तरह से रब कर लेती हूँ, बस दैट्स इट। ये देखें, ये आपका फेस पाउडर भी हो गया, आपकी फाउंडेशन भी हो गई, पैनकेक वगैरह जो कुछ भी नहीं लगाने की ज़रूरत, बस ये ले लें और ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितनी कवरेज भी आ गई है और सिर्फ मैंने कुछ भी नहीं किया फिंगर के साथ, ये शेफर बेस है जो ये अप्लाई कर दी है बस। और आप देखें ये हट भी नहीं रही है, इसको आप जैसे मर्जी कर लें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ये लग रही है कि बहुत ओवर हो गई है तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा है वो आप हाथ से हटा दें और बहुत ही नेचुरल भी आप इससे बेस बना सकते हैं, नेचुरल कवरेज भी कर सकते हैं और कहीं जाना हो तो भी आप लगा सकते हैं। तो ये एज अ फेस पाउडर भी यूज़ हो जाएगी, एज अ फाउंडेशन भी, एज अ पैनकेक भी, तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है मैंने आपको बताई है, बहुत सबसे आसान तरीका है। जिसको भी बेस बनानी नहीं आती वो इस तरह से बना ले, इसको यूज़ कर ले और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसे लगा और किस तरह से ये इस तरीके ने आपको जो हेल्प की है। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा होता है मैं आप लोग के लिए आसानियाँ पैदा करूँ, मुश्किल से मुश्किल जो चीज़ है वो आसान करके आप लोग के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, वो काम कर सकें जो आप नहीं कर सकते हैं और सारी मुश्किलें जो हैं वो आपकी आसान हो जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।